दिस स्टोरी लाइन इज सो सिमिलर टू आवर लव स्टोरी, है ना? ट्रू, बट आई लव द लोकेशन, दिस इज सो रोमांटिक। इंडीड, तो तुमको इतना पसंद है तो चलो तुमको ले चलते हैं वहां पे। चलो। What? ये तो सेम स्ट्रीट है। So guys, ये तो स्टोरी में बहुत आगे निकल चुके हैं, चलिए आपको भी ले चलते हैं हमारे इस बैंगलोर टू पांडिचेरी ट्रिप में। Actually, we plan to go by a car, but as usual, हम जो प्लान करते हैं वो हमेशा हो जाए जरूरी नहीं। एंड हमारे कार में एक छोटी सी प्रॉब्लम होने के कारण, मतलब छोटी सी, यू नो, हम निकल पड़े पौंडी के लिए वाया बस। And to our surprise, it was a super awesome and comfortable bus, as you can see. And the journey was even better. Subha mein around 6 o'clock, we reached Pondi and headed straight to our hotel. The hotel room was amazing and badly needed after the long journey that we had. Let me show you a small glimpse of our room. It was very decent and comfortable. हमने थोड़ा रेस्ट किया एंड देन वी स्टार्टेड टू गेट रेडी फॉर द डेज एडवेंचर। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज टू रेंट अ स्कूटी एंड सो अराइव्ड आवर येलो वेस्पा और हम निकल पड़े टुवर्ड्स अ सेरेनिटी बीच। टू स्टार्ट अ ट्रिप, नथिंग कैन बी बेटर देन द साइट ऑफ द सी। कुछ समय बिताने के बाद वी क्लाइम्ड ऑन टू अ रॉकी पैच फॉर सम स्टनिंग व्यू। वी सॉ सम पीपल सर्फिंग एंड आवर क्यूरियस माइंड्स पुल्ड अस टू द सीन। For this one? No, actually, I'm working from here and I've been wanting to try surfing for a long time. Oh, lucky! So, yeah. Shankar is a really good instructor. So, if you guys want to try surfing, you should really. It's really fun. I can't explain the feeling. I was gonna be here for one session and today is my fifth session. Okay, and since I'm going back tomorrow, I can't continue. Okay. Okay. So, we catch one last surf session. You know? चाहे आप कहीं भी चले जाओ, हर किनारे की एक अपनी ही अलग कहानी होती है। एक तरफ लोग बिंदास सर्फिंग कर रहे थे और एक तरफ लोग मेहनत। हमने देखा कि कुछ बोट्स बिल्कुल सैंड के ऊंचाई पर है। वी रियली थॉट कैसा कैसे करते होंगे एंड देन वी एक्चुअली हैपन टू विटनेस इट। चलिए आपको दिखाते हैं। So that was our Serenity Beach story. यहाँ से हम निकल चले अपनी अगली मंजिल पे, जो थी the very famous Botanical Garden. भैया, 2 tickets please. This garden was established in 1826 in a very authentic French style, covering 22 acres of land. Right from the architecture to arrangement of trees and the materials used to deck up the garden, all bear the deep reflections of French culture. Is garden mein one can witness more than 1500 species of trees of both native and international origins.
फिर काजल के अंदर का प्लांट लवर जागा एंड शी स्टेप्ड इनटू द ग्रीन हाउस। And by this time, we were completely exhausted and headed to the hotel to take some rest. फिर सीधे शाम में ही हम निकल पाए, and then we witnessed something very unique. हमें रास्ते में एक फंक्शन में ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस करते हुए कुछ आर्टिस्ट दिखे, and we just couldn't resist watching. जब हम कहीं जाते हैं वी ट्राई टू एक्सपीरियंस ऑल द फेमस प्लेसेस एंड इफ यू आर इन पॉन्डिचेरी यू हैव टू विजिट द वेरी आइकॉनिक चर्च ऑफ पॉन्डिचेरी द सेक्रेट हार्ट बेसिलिका। दिस चर्च वॉज एलिवेटेड टू अ बेसिलिका इन 2011 एंड इज वन ऑफ द फ्यू इन एशिया। क्योंकि हम रात में यहाँ आए थे वी डोंट नो इफ आवर कैमरा डिड जस्टिस टू इट्स ब्यूटी। इस चर्च में वी कैन सी रेयर स्टेन्ड ग्लास पैनल्स जो जीसस क्राइस्ट के लाइफ इवेंट्स को डिपेक्ट करते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई फ्रेंच मिशनरीज ड्यूरिंग द 1700s। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द गॉथिक स्प्लेंडर एंड वन मस्ट विजिट दिस टू एक्सपीरियंस इट्स इनर ब्यूटी एंड पीस। एंड हमें पता नहीं चला कब हमने इतना टाइम यहाँ स्पेंड कर लिया एज इट वॉज वेरी पीसफुल। फाइनली इट वॉज टाइम टू हेड बैक टू द होटल, हैव सम गुड फूड एंड रेस्ट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर ड्रीम बिकॉज इट्स योर टाइम टू शाइन। I'm gonna pick.